ग्वालियर के मुरार इलाके में बंद पड़ी एक गोदाम में नकली सीमेंट बनाकर तैयार किया जा रहा था, वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जहां ग्वालियर क्राइम ब्रांच और मुरार थाना पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर नकली सीमेंट फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में नकली सीमेंट बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने फैक्ट्री मैनेजर और अन्य लोगों को हिरासत में लिया, जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू की। वहीं एडिशनल एसपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि अल्ट्राट्रैक सीमेंट कंपनी ने शिकायत की थी कि मुरार के जहांगीरपुरी में अल्ट्राट्रैक के नाम से नकली सीमेंट तैयार की जा रही है। जब क्राइम ब्रांच ने यहां छापा मारा तो मौके पर दो गोदाम बने मिले, जिनमें 200 से बोरी अधिक नकली सीमेंट और 5000 नकली बारदाना भी बरामद किया गया। वहीं आरोपियों ने जेपी कंपनी का जैकेट सीमेंट दोबारा से तैयार कर अल्ट्राटेक की बोरियों में भरा जा रहा था और इसे बाजार में सप्लाई करने की भी तैयारी थी। वहीं पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में जरूरी कानूनी कार्रवाई की, लेकिन नकली सीमेंट फैक्ट्री के मिलने के बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और पता लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने ये नकली सीमेंट कहां कहां सप्लाई की थी। ये थाना मुरार के अंतर्गत क्राइम ब्रांच और थाना मुरार के द्वारा कंबाइंड कार्रवाई करते हुए जागीरपुरी में एक फैक्ट्री पकड़ी गई है, जिसमें कि नकली सीमेंट बनाने का काम चल रहा था उसमें, और गोदाम थे, दो गोदाम थे, जिसमें कि एक गोदाम में 200 बोरी अल्ट्राटेक की और एक गोदाम में 100 बोरी अल्ट्राटेक की, इसके अलावा 5000 ऐसी बोरी मिली है जो की जिन पर की अल्ट्राटेक लिखा हुआ है। तो इसमें अल्ट्राटेक के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी, इस आधार पर आज क्राइम ब्रांच के में आज तल के सुबह थाना मुरार के साथ मिलकर ये कार्रवाई की गई है।